लास्ट कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल करो, शर्म करो, हिजड़े हो तुम लोग, या तो इस्लामिक कानून के हिसाब से इनको सजा दो। तो गाइस एजाज खान का भी रिएक्शन आ गया कोलकाता वाले इंसिडेंट के ऊपर। एजाज खान काफी सही इन्फॉर्मेशन और रिप्लाई दिया डॉक्टर वाले इंसिडेंट को लेकर। एजाज खान जस्टिस के लिए अपील किया और साथ ही में उन लोग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है जो कि अभी भी मानी के लड़की का दोस्त बता रहा है कि लड़की छोटे ड्रेस पहने थे ये वो, इन चीजों के ऊपर पूरा प्रॉपर खुलासा बात किया है एजाज खान। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को देखिए। 9 अगस्त 2024 को एक फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की लाश कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिली, तो हॉस्पिटल वालों ने उसके मां बाप को बताया कि उस लड़की ने की है, पर जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो पता चला कि उसके बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज हैं। की बॉडी में 150 ml मेल सीमन गला, यानी कि दरिंदों ने उसका रेप किया, उसे मारा, उसे पीटा। अब क्या हुआ, प्रोटेस्ट शुरू। मेरी सारी बहनें रोड पर आ गई, कैंडल लाइट्स लेके, मसाले जली, बहुत जोर जोर से नारे लगे। इसमें कुछ चूतियों की ऐसी है कि इसमें भी लड़की की गलती होगी, है ना, उसने उसको प्रोवोक किया होगा, अरे उसको रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसको शराब नहीं पीनी चाहिए, शर्म करो, शर्म करो, हिजड़े हो तुम लोग। पुलिस ने 9 सस्पेक्ट उनको अरेस्ट भी किया और ये लोग जेल भी जाएंगे, लेकिन कुछ सालों में ये हरामखोर जेल से छूट जाएंगे। लेकिन सिलसिला तो रुकना नहीं है ना, इनको लटका दो या तो इस्लामिक कानून के हिसाब से इनको सजा दो। ऑन द स्पॉट डेथ 86 एवरीडे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। दिवाली में दुर्गा मां लक्ष्मी मां को पूजा जाएगा, हम में भी लड़कियों को रहमत माना जाता है। मुझे तो शर्म आ रही है, आपको भी आनी चाहिए कि क्या जस्टिस के नारे लगाने से, कैंडल जलाने से इन लड़कियों को इंसाफ मिलेगा? तो गाइस पूरा वीडियो देखने के बाद आप सभी को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एजाज खान ने जो कुछ भी बोला आप सभी को सही लगा या गलत लगा? और गाइस इस मामला का न्याय मिलना चाहिए जस्टिस फॉर मोमिता, जस्टिस फॉर आरजीकर मेडिकल कॉलेज।